अच्छा जनाब, हम देखेंगे कि हम इस फॉर्मूले से हम साइन अल्फा माइनस बीटा या साइन अल्फा प्लस बीटा कैसे बना सकते हैं। तो पहले सबसे पहले हमें ये बात आइडेंटिटी से पता है कि जनाब कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। तो अगर यहाँ पर मैं थीटा की जगह पर अल्फा माइनस बीटा डाल दूँ, सॉरी अगर मैं थीटा की जगह पर अल्फा प्लस बीटा डाल दूँ, तो ये बन जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा और ये बन जाएगा कॉस पाई बाय टू माइनस अल्फा प्लस बीटा। जनाब पाई बाय टू माइनस अल्फा मैंने एक तरफ कर लिया, प्लस माइनस माइनस बीटा मैंने एक तरफ कर लिया, तो अब ये खुद कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है बन गया। तो जनाब वो फॉर्मूला क्या है, वो है जनाब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो खुद कॉस पाई बाय टू माइनस अल्फा बराबर है साइन अल्फा के और खुद साइन पाई बाय टू माइनस अल्फा बराबर है कॉस अल्फा के। सो इन दैट वे मैं साइन अल्फा प्लस बीटा की आइडेंटिटी निकाल लूँगा। अच्छा जी, इसी के अंदर अगर मैं बीटा की जगह माइनस बीटा डाल दूँ तो ये पूरा पूरा फॉर्मूला बन जाएगा किसके लिए, सेम फॉर्मूला, बस बीटा की जगह माइनस बीटा डालने से होता क्या है कि कॉस का जो माइनस बीटा है वो तो हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन साइन का जो बीटा है नेगेटिव वो पॉजिटिव नहीं होगा बल्कि वो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। और जब वो माइनस साइन बाहर आएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। और इसी तरीके से अगर मैं इस फॉर्मूले में बीटा की जगह माइनस बीटा पुट करूं तो वहाँ से मुझे मिल जाएगी वैल्यू कॉस अल्फा प्लस बीटा की। तो जनाब बीटा की जगह जब मैं माइनस बीटा डालूँगा तो कॉस का जो नेगेटिव बीटा है वो ख़त्म हो जाएगा, जबकि साइन का जो नेगेटिव बीटा है बेटा वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो इन दैट वे हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरीके से जनाब ये फॉर्मूले हमारे डिराइव हुए हैं जो कि मज़ीद आपसे पेपर्स में पूछे जा सकते हैं।